Namaskar friends, I Manoj Kumar from Dumrao Baksar Bihar. Welcome all of you on my YouTube channel. Mr. Manoj Anchor, English Guru. और आज ही मैंने अपने नाम YouTube चैनल के नाम में English Guru ऐड किया क्योंकि मैं लगातार English के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे नाम के साथ English का कनेक्शन होना ज़रूरी था. सो चलिए आज स्पेशल वीडियो बहुत ही कम समय में आप लोगों को कुछ स्पेशल सिखाने की कोशिश करता हूँ. और आज मैं प्रीपोजिशन के उस जगह पर आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश के स्पीकर्स और ज़्यादातर इंग्लिश के जानकार गलतियाँ करते हैं. तो आप ये गलती ना करें इसके लिए मैं आप सभी को बोर्ड पर दिखाना चाहूँगा कि मैंने चार वर्ड्स यहाँ पर लिख रखे हैं और चारों वर्ड्स आप लोगों को नोन होंगे. बहुत ही बेसिक वर्ड्स है. आप देख सकते हैं अटैक मैंने लिखा हुआ है, मैंने एंटर लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है और कंप्राइज लिखा हुआ है. अटैक का मतलब आप लोगों को मालूम होगा आक्रमण करना, एंटर प्रवेश करना, ऑर्डर आदेश देना और कंप्राइज बनना. इन चारों वर्ड्स का मीनिंग होता है. और इन चारों वर्ड्स के बारे में मैं आपको स्पेशल जानकारी ये देना चाहता हूँ कि अगर आप जब ही अटैक बोलते हैं तो आपके मन में ऑन आ जाता है और आपको लगता है कि अटैक के साथ ऑन लगना चाहिए. एंटर बोलते हैं तो आपको लगता है इनटू लगना चाहिए. ऑर्डर बोलते हैं तो आपको लगता है कि फॉर बोलना चाहिए. कंप्राइज बोलते हैं तो आपको लगता है कि ऑफ लगना चाहिए. ये चारों ही प्रीपोजिशंस अगर आप लगाएंगे तो आपका इंग्लिश इनकरेक्ट होगा और आपकी इंग्लिश में एरर आ जाएगा. तो आप ये याद रखिए कि अटैक के साथ ऑन नहीं लगा सकते, एंटर के साथ इनटू नहीं लगा सकते, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं और कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं. ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना कि अगर आप बोलते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान नहीं बोलना होगा. चूँकि अटैक यहाँ पर जब वर्ब बनता है तो ट्रांजिटिव हो जाता है. ट्रांजिटिव से एक छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी वर्ब्स हैं उनको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कहते हैं. ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया को कहते हैं और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया को कहते हैं. और सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जब भी ऑब्जेक्ट को लेता है तो विदाउट अ प्रीपोजिशन, बिना किसी प्रीपोजिशन के लेता है. तो जब सकर्मक क्रिया हो तो आप प्रीपोजिशन ना लगाए. इसी कारण से अटैक के बाद जब भी आप सेंटेंस बनाइएगा तो विदाउट ऑन जैसे आप लिखिएगा इंडिया अटैक्ड पाक. अब यहाँ पर आप ऑन नहीं लगा सकते हैं. भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया. हम लोग क्या है ना कि ज़्यादातर हिंदी से अपने इंग्लिश को लेकर चलना चाहते हैं और प्रीपोजिशन के बाद जो ही आती है हम हिंदी से मैच कराने लगते हैं और हमको लगता है कि पर आया है तो ऑन लगेगा ही लगेगा. लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है और प्रीपोजिशन हिंदी पर डिपेंडेंट नहीं होता. प्रीपोजिशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है. और प्रीपोजिशन बहुत ही बड़ी बात है. द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न. तो यहाँ पर जितना मैं स्टडी करवाता हूँ उतना आप लर्न करने की कोशिश करो. इंडिया के साथ अटैक जब आपने बोला तो अटैक के बाद और नहीं लगाओगे. किसी पर भी अगर आप अटैक करो, आई वॉन्ट टू अटैक यू, मैं तुम पर आक्रमण करना चाहता हूँ. द बुल अटैक्ड द लेडी, सांड ने लेडी पर अटैक किया. लेकिन आप और नहीं लगाओगे नहीं तो आपका गलत हो जाएगा. एंटर जब ही आता है तो हमारे माइंड में इनटू का कंसेप्ट बनता है. इसका मेन रीज़न ये है कि हमें लगता है कि गति से जब कोई काम होता है तो इनटू लगेगा और वाकई में लगेगा. लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह भी हैं जहां पर आप नहीं लगा सकते. तो मैं कमरे में प्रवेश किया तो जब ऐसा आप बोलेंगे तो आई एंटर्ड द रूम आप बोलेंगे. ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई एंटर्ड इनटू द रूम, वो गलत हो जाएगा. आई एंटर्ड द रूम. वैसे ही अगर आप ऑर्डर किए किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, तो अब ऐसा नहीं बोल दीजिएगा आप कि आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी. फॉर अगर आप लगाएंगे तो आपका इंग्लिश गलत हो जाएगा. और आप सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं और मैं आप लोगों को सही सिखाना चाहता हूँ इसीलिए फॉर नहीं लगाएंगे. वैसे ही कंप्राइज के साथ आप ऑफ नहीं लगा सकते. एक्चुअली आपने एक वर्ड सुना होगा कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट. तो जब कंसिस्ट आता है तो ऑफ लगता है. लेकिन उसी के जगह पर अगर आप कंप्राइज यूज करेंगे तो कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ. आई मीन टू से दैट कंसिस्ट जब आएगा तो ऑफ आपको लगाना है. लेकिन जब वही कंप्राइज आएगा मीनिंग वही देगा कंसिस्ट ऑफ का, लेकिन इसमें आप ऑफ नहीं लगा सकते. एक सेंटेंस बना देता हूं, द बुक कंप्राइजेज प्रोज एंड पोएट्री. यानी कि इस बुक में प्रोज और पोएट्री है.
यानी कि यह बुक प्रोज और पोएट्री से बना है, यानी कि उसमें वो चीज़ है, तो यहाँ पर आप कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगा सकते। तो इन चारों सेंटेंसेस के एक एक वाक्य मैंने दे दिया और आप अपने दिमाग में अभी से डाल लो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, चाहे वो स्पीकिंग इंग्लिश के वो के लिए हो, चाहे आप बेसिक इंग्लिश की जानकारी रखना चाहते हैं, आपको इन चारों को याद रखना ज़रूरी है। अब मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले, मैं बहुत जल्दी छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ और जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये बात बता दूँ कि जब अटैक वर्ब बनेगा तो आप और नहीं लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब इसको आप नाउन बनाइएगा तो मेक एन अटैक ऑन, किसी पर आक्रमण करना, यहाँ पर अटैक के साथ आप ऑन लगा सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन उसके लिए लिखना होगा मेक एन अटैक ऑन। इंडिया मेड एन अटैक ऑन पाकिस्तान, यहाँ पर ऑन लग जाएगा। सिमिलरली एंटर में इंटू नहीं लगता है, लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में प्रवेश करें और बिजनेस की शुरुआत करें तो एंटर इंटू लगता है, तो एंटर इंटू के का यूज आप कर सकते हैं बिजनेस के लिए, या फिर अगर आप किसी कन्वर्सेशन में, कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, अगर आप किसी कन्वर्सेशन में शामिल होने जा रहे हैं, कन्वर्सेशन में आप एंटर करते हैं तो वहां पर आप इंटू लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर ऑर्डर का प्रयोग आप नाउन की तरह कीजिएगा, प्लेस एन ऑर्डर, तो जब ऑर्डर को आप प्लेस किए तो ऑर्डर को आपने नाउन बना दिया, प्लेस को आपने वर्ब बना दिया, यहां पर आप फॉर लगाइएगा, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, यहां पर फॉर आप लगा सकते हैं, और कम प्राइस के साथ आपको ऑफ नहीं लगाना है, ये हमेशा याद रखिए। तो अभी मैंने जो क्लियर किया कि इन चारों के साथ ये प्रीपोजिशन नहीं लगता, आप अपने माइंड में ले लो, और नीचे मैंने तीन को लिख दिया, एक बार फिर से आप देख लीजिए, तीन यहां पर लिखा हुआ है कि मेक को, मेक के साथ जब अटैक आएगा, अटैक नाउन बनेगा तो ऑन लगेगा, एंटर जब आप बिजनेस में करते हो, कन्वर्सेशन में करते हो तो आप इंटू लगा सकते हो, और जब किसी ऑर्डर को आप प्लेस करते हो, ऑर्डर को नाउन बनाते हो तो आप फॉर लगा सकते हो। तो आप इन चारों ही वर्ब्स को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, और इसके प्रीपोजिशन के जो मैंने रूल बताए ये आप हमेशा ध्यान में रखें, आपकी इंग्लिश को ये डेफिनेटली ब्यूटिफाई करेगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।